एनसीआर में भारत जोड़ो यात्रा की धमक, क्या बीजेपी और आपकी बढ़ेगी सिरदर्द, तो दिल्ली में कितना लंबा होगा सफर, क्या होगा रूट, कौन कौन होगा शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कई प्रदेशों का सफर करने के बाद अब दिल्ली एनसीआर पहुंच चुकी है। 24 दिसंबर को राहुल गांधी का काफिला भी दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा कितना सफर तय करेगी, किस रूट से होकर गुजरेगी, इनमें कौन कौन शामिल होगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 24 दिसंबर को सुबह 6 बजे बदरपुर बॉर्डर के जरिए दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी। यात्रा मथुरा रोड से होते हुए आश्रम की ओर बढ़ेगी। इसके बाद जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, आईटीओ से होकर लाल किले तक जाएगी। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक लाल किले से नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए यात्रा राजघाट तक जाएगी और राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा 23 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी। दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भारी भीड़ उमड़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के साथ साथ कई अभिनेताओं को भी निमंत्रण दिया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा की धमक अब राजधानी में देखने को मिलेगी, क्योंकि यात्रा में अब तक देश की नामचीन हस्तियां भी शामिल हो चुके हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, कॉमेडियन कुणाल कामरा, बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर, रिया सेन, इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंह जैसे लोग इस यात्रा में हिस्सा ले चुके हैं। वहीं यात्रा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद तैयारियां की हैं। हालांकि रूट को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो अभी प्रस्तावित नहीं है। साथ ही दिल्ली पुलिस का कहना है कि रूट मैप जल्द तैयार कर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दिल्ली पुलिस को रूट मैप तैयार करके दे दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां 100 दिनों का सफर पूरा कर चुकी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में घूम चुकी है। फिर भी यात्रा को खत्म होने में करीब 2 महीने का वक्त बाकी है। यात्रा पर कोरोना का साया भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने की बात कही और साथ ही कहा कि अगर प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो देश हित में यात्रा को रद्द किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से देश एक बार फिर महामारी की चपेट में आ सकता है। तो वहीं राहुल गांधी ने स्वास्थ्य मंत्री के भेजे गए पत्र को यात्रा रोकने का एक बहाना बताया। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा कश्मीर तक जाएगी, अब बीजेपी एक नया विचार लेकर आई है, उन्होंने मुझे पत्र लिखा है कि कोविड आ रहा है इसलिए यात्रा बंद करो। साथ ही उन्होंने कहा कि अब यात्रा रोकने के बहाने बनाए जा रहे हैं, मास्क पहनो, यात्रा रोको, ये सब बहाने हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश की ताकत और सच्चाई से डरी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।